लोकसभा ने सोमवार को कराधान विधि संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक से कॉरपोरेट टैक्स में कटौती लागू होगी। ये विधेयक इनकम टैक्स एक्ट 1961 और फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 में संशोधन करेगा। सरकार ने सितंबर 2019 में कॉरपोरेट टैक्स की दर में 10% तक की कटौती की थी। ये पिछले 28 सालों में इस टैक्स में सबसे बड़ी कटौती है। इसके चलते मौजूदा कंपनी के लिए बेस कॉरपोरेट टैक्स 30% से घटकर 22% पर आ गया है। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2019 के बाद अस्तित्व में आई और 31 मार्च 2023 से पहले परिचालन शुरू करने वाली नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 25% से घटकर 15% पर आ गया है। नई टैक्स दरों का लाभ लेने वाली कंपनियां कोई भी रिबेट या डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगी। लोकसभा में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इन आशंकाओं को खारिज किया है कि कॉरपोरेट टैक्स की दर में कटौती के बाद राजस्व संग्रह प्रभावित होगा। कॉरपोरेट टैक्स की दर में कटौती का मुख्य उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में नया निवेश आकर्षित करना है। वित्त मंत्री ने बताया कि कॉरपोरेट टैक्स की दर में कटौती की घोषणा के बाद कई घरेलू और वैश्विक कंपनियों ने भारत में निवेश की इच्छा जताई है। आगे बताया कि नवंबर तक ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू 5% बढ़ा है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में कोई कमी नहीं आई है। नकदी के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों ने हाल में ऋण वितरण कार्यक्रम या संपर्क अभियान के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बांटा है। इसमें से 1.5 लाख करोड़ रुपए का नया ऋण है। सीतारमन ने इस धारणा को खारिज किया है कि सरकार आलोचना नहीं सुनना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये कहना अनुचित होगा कि सरकार आलोचना सुनने को तैयार नहीं है। कुछ दिन पहले उद्योगपति राहुल बजाज ने कहा था कि भारतीय उद्योग जगत सरकार की आलोचना करने से डरता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार आलोचना सुनने को तैयार नहीं है। इसके जवाब में निर्मला सीतारमन ने कहा कि सरकार आलोचना सुनती है, सकारात्मक ढंग से जवाब देती है और उसके लिए कदम भी उठाती है।